कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लाक्षण रूप से अपनी वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान की उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्र आत्मा तथा मनोबल इंद्रिय बल और शरीर बल ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। बोले मत्स्य भगवान की जय। हे प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रादि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य पशु स्थावर जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। हे अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलय कालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं, मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज हर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनकी स्थान कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृष्ट प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसी अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जराजुज स्वेदज अंडज उद्विज जंगम स्थावर देवता ऋषि पितृगण भूत इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संज्ञा निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अवचल भक्ति भाव से उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती हैं। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कृति रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं तथा ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्म में त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बारंबार नमस्कार है। बोलिए वराह भगवान की जय। ऋतिध्वजगण जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्माशक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके स्वरूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियादि को विलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यमनियम आदि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक
हो गई है। वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रियाधिष्ठाता देवता अयन शरीर इस काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित तो आपको बारंबार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंब की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसी संपूर्ण गुणों एवं कर्मों की साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत की कारणभूत आदि शुकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरणाक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पायोधी के बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बारंबार नमस्कार करती हूँ। बोलिए वराह भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 19वां अध्याय किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन किम पुरुर्वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहां अन्य गंधर्वों के सहित आर्ष्टिसेन उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयत चित्त लोकाराधन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वांतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता है। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित तो हम वनवासी बानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, बानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसी सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित भक्त वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे, तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नरनारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करती रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति
और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहां भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान की ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवत महिमा को प्रकट करने वाले पांच रात्र दर्शन का सावरणी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्तिभाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। परम हंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनकी कर्ता होकर भी कर्तव्य के अभिमान से नहीं बंधते।